उत्तर प्रदेश में हलाल प्रमाणन के खिलाफ में कार्रवाई तेज कर दी गई है। आज से हलाल प्रमाणन की जांच का अभियान शुरू होगा। खाद्य एवं औषधि विभाग गुणवत्ता के साथ ही हलाल प्रमाणन की जांच करेंगे। आपको बता दें कि हलाल प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में नामजद संस्थाओं को भी नोटिस दिया जाएगा। हजरतगंज पुलिस ने संस्थाओं की जांच भी शुरू कर दी है। जल्द ही कंपनियों को नोटिस भी जारी किया जाएगा। देखिए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि शाकाहारी थे उनको हलाल बताकर बेचा जा रहा था और उसी के चलते यहां पर सर्टिफिकेट दिया गया था। यह पूरा मामला उसी से जुड़ा हुआ है जिसको लेकर 9 कंपनियों पर FIR दर्ज भी की गई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई काफी ज्यादा तेज कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत मिश्रा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संकेत, पहले 9 कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी और अब जांच तेज कर दी गई है, क्या अपडेट पूरे मामले में? बिल्कुल, यूपी में हलाल प्रमाणन के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं और ये कार्रवाइयां चौतरफा हो रही हैं। इसमें खासकर खाद्य एवं औषधि विभाग की तरफ से आज से अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में जारी होगा। उनकी जो टीम है वो आज तमाम जगहों पर जाएंगी और वो लगातार निरीक्षण करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि ये हलाल प्रमाणन से संबंधित जो उत्पाद है वो मार्केट में है। अगर है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, तत्काल FIR फिर से दर्ज कराई जाएगी जहां जहां पर ऐसा मामला आता है, नोटिस दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो मामला हजरतगंज में दर्ज किया गया था, FIR दर्ज हुई थी तमाम संस्थाओं के खिलाफ जो अवैध तरीके से हलाल प्रमाणन कर रही थी, उनको नोटिस देने की तैयारी है और जो उस मुकदमे के वादी हैं उनके बयान दर्ज कर लिए हैं पुलिस में। तो जाहिर सी बात है कि अब चौतरफा कार्रवाई उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद में अब यूपी में पूरी तरीके से प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। खाद्य एवं औषधि विभाग का बकायदा GO जारी हो चुका है, आदेश शासनादेश जारी हो चुका है कि इस तरह के जो उत्पाद हैं वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया संकेत आपका। और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो प्रयागराज से मिल रही है। कार में भीषण आग लग गई है, कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। पेट्रोल पंप से कुछ ही दूरी पर घटना हुई थी, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही ये तस्वीरें आप देखिए कि कार में किस तरह से आग लगी, पूरी कार धू धू कर जलने लगी। पेट्रोल पंप से कुछ ही दूरी पर यह घटना हुई और अगर पेट्रोल पंप के ज्यादा नजदीक यह घटना होती तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए जहां पर कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। देर रात का ये मामला, तो पेट्रोल पंप से कुछ ही दूरी पर कार में आग लगी। फिलहाल कार में आग किन कारणों के चलते लगी थी इस पर जांच की जा रही है। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। प्रयागराज से ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर पूरी कार आपको चलती हुई नजर आ रही है। ऊपर में ही पकड़ लिया है ना वो। सिलेंडर है सर।